हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटोन फिर लेके आया हूँ एक नया फॉल्ट। देख सकते हैं हमारे पास एक लोकल मेड का 69 कंपनी का एक 15 इंच का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लिखाऊंगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले टीवी को पावर देते हैं। पावर देने के बाद देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों मैं टीवी को पावर दिया और पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर ऑन हो गया है और ऑन होने के बाद हमारा पिक्चर कैसे आ रहा है वो चेक करेंगे। देखिए दोस्तों हमारा पिक्चर कैसे आ रहा है। ये वाला प्रॉब्लम हमारे पास पहले बार आया है, इसीलिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को भी काम करने के लिए आसान होगा और हमारा कैसे इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं पहले क्या करेंगे, पहले टीवी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को पहले ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद दिखाता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हैं हमारे पास ये रहा 14 इंच 15 इंच का ट्यूब, इसका यॉक कॉइल, ये रहा बेस पीसीबी, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम है हमारा मेन पीसीबी का ही प्रॉब्लम है, लोकल मेड का पीसीबी है। और पीसीबी पे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है पहले चेक करेंगे। एक एक करके सभी वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। पहले तो दोस्तों हमारा पावर सेक्शन से शुरू करूँगा। पावर सेक्शन का जो जो वोल्टेज होता है उसको चेक करेंगे। मैं मीटर को 200 के रेंज पे रख चुका हूँ और रखने के बाद इसका वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे पहले तो चेक करेंगे हमारा 110 वोल्ट, ये हमारा 109 बता रहा है, ऐसे ही बता रहा है। और इसके बाद देखेंगे 26.5 है हमारा वर्टिकल सप्लाई के लिए और हॉरिजॉन्टल सेक्शन का रनिंग करने के लिए दिया जाता है। और तीसरा होता है हमारा 11.3 दिख रहा है, इसका 12 वोल्ट का पॉइंट है। ये हमारा रेगुलेटर सेक्शन के लिए वोल्टेज दिया जाता है जो हमारा 5 पोल 8 वोल्ट बनाता है। और चौथा जो वोल्टेज होता है वो हमारा साउंड सेक्शन के लिए दिया जाता है 15.4। मतलब हमारा सभी वोल्टेज तो सही बता रहा है, लेकिन फिर भी इस वाला प्रॉब्लम आ गया है जो लाइन आ रहा है। उसके बाद देखेंगे हमारा 5 वोल्ट बन रहा है कैसे। ये 5 वोल्ट ट्यूनर पे चेक करेंगे। देखिए 5 वोल्ट हमारा सही स्टैंड है वोल्टेज और हमारा 8 वोल्ट कितना आ रहा है, 8.3 बता रहा है। मतलब दोस्तों हमारा सभी वोल्टेज सेम बता रहा है, सही बता रहा है। उसके बाद चेक करेंगे और एक वोल्टेज जो दो वोल्टेज होता है, एक वोल्टेज जो हमारा 180 वोल्ट का, देखिए 80.9 बता रहा है, 190 वोल्ट तक बता रहा है। और ये वोल्टेज आता है हमारा बेस पीसीबी पे। बेस पीसीबी पे जो हमारा कलर का सेक्शन होता है फिल्टरिंग करने के लिए, ये वाला वोल्टेज लगता है। ये हमारा 200 वोल्ट का जो पॉइंट होता है इस पर पहुँच जाता है इस पर। मतलब हमारा सभी तो वोल्टेज बन रहा है, चल रहा है, लेकिन हमारे पिक्चर का ऐसे वाला प्रॉब्लम है। ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए एक एक चीज़ को चेक करना जैसे ज़रूरी होता है। ज़्यादातर दोस्तों हमारा सिस्टमेटिक जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, वर्टिकल सेक्शन पे ये वाला प्रॉब्लम आता है। वर्टिकल सेक्शन पे जो वर्टिकल आईसी का सेंस होता है उस पर प्रॉब्लम होता है। इसलिए क्या करेंगे, ये वाला जो अप डाउन हो रहा है मतलब वर्टिकल सेक्शन से हमारा मेन आईसी तक जो हमारा वर्टिकल सेंस का जो पॉइंट है वो सेंस को मैं क्या करूँगा, ओपन कर दूँगा। जैसे कहाँ पे है देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा वर्टिकल आईसी के लिए सेंस दिया जाता है, वो पॉइंट को क्या करेंगे इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे हमारा सिस्टमेटिक जो प्रॉब्लम दे रहा है वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। ये हमारा डायरेक्टली वर्टिकल पे चला गया है और सॉल्व हुआ है, मतलब हमारा एक लाइन आ जाएगा। वो लाइन हमारा जंपिंग हो रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए आसान होगा। जब हमारा वर्टिकल आईसी का ये पॉइंट खोल दूंगा तो हमारा वर्टिकल आईसी अलग हो जाएगा और हमारा मेन आईसी अलग हो जाएगा। तो हमारा जब सिंगल लाइन हमारा जंपिंग करेगा या वो कुछ रिपेयरिंग होगा तो पता चल जाएगा हमारा वर्टिकल सेक्शन का वर्टिकल आईसी का प्रॉब्लम है या हमारा मेन आईसी का प्रॉब्लम है।
जब जंपिंग नहीं करेगा तो हमारा वर्टिकल आईसी सही है, हमारा मेन आईसी खराब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी हो मैं इसको क्या करेंगे, पहले ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद चेक करने के लिए आसान होगा। दोस्तों मैंने वर्टिकल आईसी से जो हमारा फ्लिप आ रहा था वो फ्लिप को मैंने ओपन कर दिया। ओपन कर देने के बाद भी हमारा पिक्चर देखिए, हमारा डीपारिंग हो रहा है, जो हमारा पिक्चर का जो सिंगल लाइन है वो सिंगल लाइन देखिए अप डाउन हो रहा है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा जो वर्टिकल आईसी जो फ्लिप बना रहा है वो फ्लिप का ही कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए वर्टिकल सेक्शन पे कुछ लाइन आ रहा है। और क्या करेंगे, मेन आईसी से तो हमारे मैं ओपन कर चुका हूँ, और ओपन कर देने के बाद इसका जो फ्लिप है, फ्लिप खोल देने के बाद भी हमारा आईसी वाला प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब क्या हुआ, हमारा ये वर्टिकल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, और वर्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब ये वर्टिकल सेक्शन पे ही है। और उसके लिए क्या करेंगे, वर्टिकल सेक्शन को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ आगे क्या चीज़ चेक करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों जो हमारा जो प्रॉब्लम दे रहा था वो हमारा लाइन आ रहा था लेफ्ट साइड से राइट साइड तक वाला लाइन हमारा डीबरिंग हो रहा था, इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम हमारा वर्टिकल रिलेटेड है। क्योंकि अप से डाउन तक हमारा जो प्रॉब्लम होता तो क्या होता, हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होता, लेकिन इस पर क्या हुआ, जो हमारा लेफ्ट साइड से राइट साइड तक हमारा लंबा लंबा से कुछ लाइन आ रहा था, वो लाइन के लिए हमारा वर्टिकल सेक्शन से प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैं क्या किया, वर्टिकल आईसी से मेन आईसी को जब मैंने ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद भी हमारा वही लाइन जंपिंग हो रहा था, एक सिंगल लाइन आ गया था और सिंगल लाइन ही जंपिंग हो रहा था। मतलब क्या हुआ, हमारा वर्टिकल रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। जैसे वर्टिकल का वोल्टेज, वर्टिकल का जो सेंस, वर्टिकल का सभी जो जो पॉइंट होता है उस पर प्रॉब्लम हो सकता था। इसीलिए मैं पूरी सेक्शन को चेक करने के बाद मुझे पता चला हमारा सिस्टम जो सभी वोल्टेज तो सही दे रहा है, सभी से दिख रहा है, सभी सही है, लेकिन हमारा वर्टिकल आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। बहुत ज़्यादा हीट होने का मतलब क्या होता है, अंदर से करप हो जाना, और करप हो जाने का मतलब क्या होता है, जब टीवी ज़्यादा हीट हो जाता है, आईसी हीट हो जाता है, हीट होने के बाद ही ये वाला प्रॉब्लम आता है। कस्टमर ने कहा था कुछ देर के बाद चलने के बाद ये टीवी सही तरीके से चलने लगता है, कुछ देर के बाद फिर से वही प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए मैं जब मुझे पता चला हमारा जो वर्टिकल आईसी था, ये वाला वर्टिकल आईसी देखिए 78040 का ये वाला वर्टिकल आईसी था, ये वर्टिकल आईसी को मैंने रिप्लेस करके नया वाला एक वर्टिकल आईसी इस पर कनेक्ट कर दिया। और देखिए वर्टिकल आईसी वही नंबर का वर्टिकल आईसी LA78040B का ये वाला वर्टिकल आईसी। ये वाला वर्टिकल आईसी लगाने के बाद हमारा टीवी का जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जैसे मैं इसको पावर दूंगा, ये पावर दिया, और पावर देने के बाद हमारा टीवी स्क्रीन पे जो प्रॉब्लम था, जो जंपिंग का प्रॉब्लम था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए हमारा ब्लू स्क्रीन आ गया, और ब्लू स्क्रीन पे जो हमारा लाइन जंपिंग हो रहा था वो वाला प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम हो गया था वो वाला प्रॉब्लम कहाँ से था, हमारा मेन पीसीबी जो हमारा मदरबोर्ड कहा जाता है, मदरबोर्ड पे ही प्रॉब्लम था। जो वर्टिकल लाइन को बहुत ज़्यादा वर्टिकल लाइन आ गया था, और वर्टिकल लाइन हमारा जंपिंग हो रहा था, जंपिंग कर रहा था, और जंपिंग करने के बाद हमारा पिक्चर सही तरीके से नहीं आ रहा था। और इसीलिए क्या किया मैंने, वर्टिकल आईसी को अच्छी तरह से वर्टिकल सेक्शन को चेक करने के बाद मुझे पता चला हमारा वर्टिकल आईसी ही खराब है, और वर्टिकल आईसी को चेंज कर, वर्टिकल आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, इसीलिए वर्टिकल आईसी को चेंज करने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। देखिए हमारा पूरी तरह से स्टैंड है, ये जो जंपिंग हो रहा है हमारा कैमरे का वजह से दिख रहा है, नहीं तो हमारा पूरी तरह से पिक्चर स्टैंड है। जो हमारा ब्लू स्क्रीन है, ब्लू स्क्रीन क्लियर है, और हमारा आज का जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।